गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोगों को देखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा आपको। चलिए आप देख रहे हैं ये थर्ड पार्ट है टेंस की, थर्ड पार्ट, पार्ट थ्री। अगर आपने इससे पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के वो दोनों वीडियो देखिए टेंस का, उसके बाद तब जाकर के आपको ये तीसरा, खैर समझ में तो ऐसे भी आ जाएगा लेकिन अच्छा होगा कि आप पहले पार्ट वन और पार्ट टू दोनों जाकर के देख लीजिए। चलिए आइए पहले सब हिंदी में बात कर लेते हैं कि ये कैसे सेंटेंस होते हैं और ये कौन सा टेंस है। तो जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा होता है वही टेंस होता है ना। लिख देता हूं यहां पे, रहा है, रही है, रहे हैं। अच्छा लेकिन क्या होता है आखिर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमको इज, आर या एम मिलेगा। बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस की, ध्यान से देखिए इधर, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो कंपलसरी है, होगा ही होगा। प्रेजेंट के लिए क्या होगा, इज आर एम, ये प्रेजेंट होने की निशानी है कि कॉन्टिन्यूअस में कौन सा है, प्रेजेंट है। क्या लग गया तो इज आर एम। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एग्जांपल देखो, आई के साथ क्या यूज करें, तो आई के साथ एम यूज करेंगे। आप सब लोग जानते होंगे जरूर, अभी मैं डिटेल में बताता हूं अभी आकर के। आई एम वॉचिंग, देख रहा हूं क्या, तो टेलीविजन। आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं देख रहा हूं क्या, तो टेलीविजन। मैं टेलीविजन देख रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। वह टेलीविजन देख रहा है या वह खेल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज प्लेइंग। क्या खेल रहा है, मान लो कि वह फुटबॉल खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अगर आप बात करते हो कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या लिखोगे आप, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं एक बार, हालांकि जो लोग वीडियो देखे होंगे पहले की, बेसिक पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें मैंने इज आर एम का यूज बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, एम की बात मत कीजिएगा क्योंकि ये बेचारा शादीशुदा है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, बाकी किसी और के साथ एम नहीं लगेगा कभी भी, निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। आ जाइए, बच गया इज और आर। मैंने आपको बताया था इज सिंगुलर है, इज क्या है, सिंगुलर है। ये किसके साथ यूज होगा, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा। किसके साथ, सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा ये। और आर क्या है, तो आर प्लूरल है, तो ये हमेशा किसके साथ यूज होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। बाकी एग्जांपल्स के थ्रू आप देख सकते हैं, इसमें आई को छोड़ दीजिए, बाकी ही देखिए, सिंगुलर है तो क्या यूज हुआ, इज, और ये प्लूरल है तो क्या यूज हुआ, आर। चलिए मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके छह सेंटेंस मैं बना देता हूं इसी का सिर्फ, एक दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसका नेगेटिव क्या बनाओगे आप, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटरोगेटिव बनाओ तो आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। फिर नेगेटिव बनाओ, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये देखो हेल्पिंग वर्ब आया, आर बाहर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया और फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट। नॉट तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट यूज करिएगा। तो आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये देखो जी चार हो गया। फिर आता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था डब्ल्यू एच लगा दो इंटरोगेटिव के पहले, वाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल। और अगर वही आपको डब्ल्यू एच नेगेटिव बनाना है तो आप डब्ल्यू एच लगा दो किसके पहले, इंटरोगेटिव नेगेटिव के पहले डब्ल्यू एच लगाओ, वो डब्ल्यू एच नेगेटिव हो जाएगा। चलिए तो ये छह सेंटेंस आप लोगों ने देख लिया, तो ये तो समझ में आ गया होगा ये आपको आसानी से बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है इसमें भी कि आखिर क्या है इसके यूजेस, क्यों यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं हम, क्या, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए तो हम लोग देखेंगे यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलो जी आ जाओ, देखो इधर
अब हम लोग बात कर रहे हैं यूजेस और एप्लीकेशंस की। किसकी यूजेस और एप्लीकेशंस? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की यूजेस एंड एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं हम। तो अब आप एक बात बताओ कि हम कहां पर यूज करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर काम फिलहाल हो रहा है, जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको भी, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब कोई भी काम जिस वक्त हो रहा है उस वक्त हम यूज कर सकते हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऑनगोइंग। जैसे आप कह सकते हैं आई एम टीचिंग, मैं कह सकता हूं आई एम टीचिंग, आप क्या कह सकते हो? यू आर टीचिंग। आप क्या कहोगे? यू आर टीचिंग। मैं कहूंगा यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। आप क्या कहोगे? यू आर टीचिंग। अच्छा, लिख चुके थे, चलिए कोई बात नहीं। तो पहला ongoing, अगर जिस वक्त कोई काम हो रहा है उसी वक्त अगर आपको बोलना है तो आप कौन से टेंस का यूज करोगे? तो आप continuous, present continuous का यूज करते हो। चलिए दूसरा है नॉट ऑन गोइंग, हाँ उस वक्त नहीं हो रहा है, नॉट ऑन गोइंग नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन स्टार्टेड इन पास्ट, स्टार्टेड इन पास्ट एंड विल बी फिनिश्ड, विल बी फिनिश्ड इन फ्यूचर, विल बी फिनिश्ड इन फ्यूचर। जैसे कंटिन्यूटी वाला कोई काम है जो चलते जाता है होते जाता है, फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, पास्ट में स्टार्ट हुआ, फ्यूचर में जाकर के खत्म होगा, तो उसमें भी हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं, आप लोगों को पता है कि मैं बुक तैयार कर रहा हूं आपके लिए, लिटरेचर क्लास 12 वालों के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं एक बुक लिख रहा हूं, आप सर बाप रे झूठ बोलते हैं आप तो पढ़ा रहे हैं। अरे मैं बुक लिख रहा हूं मतलब फिलहाल नहीं पढ़ा, नहीं लिख रहा हूं बुक, फिलहाल अभी तो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बुक लिख रहा हूं। मैंने स्टार्ट कब किया? पास्ट में स्टार्ट किया। मैं लिखता हूं उस बुक को, थोड़ा थोड़ा रोज लिखता हूं, थोड़ा थोड़ा रोज लिखता हूं, रोज आ गया, रोज तो कहां चले गए? सिंपल प्रेजेंट में, मैं रोज थोड़ा थोड़ा लिखता हूं, रोज डेली आ गया, उसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है, देख ध्यान से देखिए, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पता चल रहा है। यहां पर बात हो रही है कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन कब स्टार्ट हुआ? पास्ट में, कब खत्म होगा? फ्यूचर में। आप कह सकते हैं कि आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक, बोलो हाँ या ना। चलिए तीसरे नंबर पे आप देखिए, तीसरे नंबर पे है टेम्पररी वर्क और जॉब, टेम्पररी वर्क और जॉब। कोई काम आपका अगर टेम्पररी है तो आप उसको क्या कहेंगे, कौन से टेंस में लिखेगा? कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये मेरा काम परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता अगर, तो मैं क्या कहता? आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, टेम्पररी काम दिखाने के लिए। लेकिन कब? जब वो काम नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, नॉट ऑन गोइंग। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और मैं अभी बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका कहीं से भी मतलब नहीं है कि ये मेरा परमानेंट जॉब है कि टेम्पररी। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं, चलिए देखिए मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग, देखिए मैं अभी लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, ये टेम्पररी परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑन गोइंग हो गया, ये क्या हो गया? ऑन गोइंग हो गया, ध्यान से देखिए। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं कि जिस वक्त वो काम नहीं हो रहा है और उस वक्त हम यूज करें किसका? अगर हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो इसका मतलब है कि वो काम कैसा है, तो वो काम हमारा टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कुछ वर्ड्स की, जिन वर्ड्स का होने का मतलब ही है कि हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। चौथे नंबर पे देखिए, आज अभी देखो आप फोर्थ नंबर, चौथे नंबर में आप देखोगे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे नाउअडेज, नाउअडेज, या आप बात करोगे दीज डेज, या आप बात करोगे सिर्फ नाउ, है ना, एट प्रेजेंट। जैसे ये वर्ड्स आते हैं ना, आप इनके साथ मतलब एकदम बिना दिमाग खर्च किए हुए प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगा दो, आप कंटीन्यूअस ही लगेगा निश्चित रूप से इस बात के लिए। जैसे नाउअडेज, आजकल, मतलब टेम्पररी है, ये देख लो एकदम पता चल रहा है कि आजकल मतलब जो भी हो रहा है ना वो आजकल की बात हो रही है, वो परमानेंट जैसा नहीं है, टेम्पररी। आजकल मैं, आजकल
नाउ अभी एट प्रेजेंट इस वक्त, तो वो क्या है, वो टेम्पररी पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? टेम्पररी बात बता रहा है वो, कोई परमानेंट नहीं है। आजकल मैं साइकिल चला रहा हूं, अब आप बताइए बाइक से चलते हैं लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि नाउ अडेज आई एम यूजिंग बाइसिकल। हाँ ध्यान से देखिए आप क्या बोलोगे कि नाउ अडेज आई एम यूजिंग बाइसिकल, मतलब आजकल मैं बाइसिकल चला रहा हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं आजकल। तो आजकल मतलब टेम्पररी है ये, एकदम क्लियर है, एकदम साफ पता चल रहा है कि आजकल की बात हो रही है। चलो जी बोलो, आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।